हे व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल माया ब्यूटी एंड ब्लॉग्स। सो आज के वीडियो में आपके साथ दोबारा शेयर करने जा रही हूँ अमेजोन हॉल वीडियो। तो इस बार मैंने जो अमेजोन से परचेज किया है ना, उसमें आपको जीन्स और टॉप देखने को मिलेंगे और इन सबका जो लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो वहाँ पर आपको सेपरेट लिंक और कम्बाइंड लिंक दोनों के दोनों दिखने वाले हैं, तो आप जाके चेक कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ जो मैंने टॉप लिया है। तो ये जो टॉप है ना, आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा हल्का है और इसका जो मटेरियल है ना वो भी बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। तो ये टॉप ये क्रॉप में है और जो मेरा साइज़ है ना वो स्मॉल है। तो यहाँ पे जो भी मैंने लिया है, जो मेरा वेस्ट साइज़ है वो 26 है और जो मेरा टॉप का साइज़ है वो स्मॉल है। और मैंने कुछ मम्मी के लिए भी लिया है, तो उसका भी जो साइज़ है वो 38 और डबल एक्सेल है। तो जो टॉप है उसका जो साइज़ होगा वो डबल एक्सेल रहेगा और जो जीन्स है वो 38 है। तो मैं आपको दिखा दूँगी, आपको पता चल जाएगा। तो सबसे पहले ये टॉप है, तो ये जो है ये क्रॉप में था बट स्मॉल में मुझे थोड़ा सा लूज़ हो रहा है, ज़्यादा नहीं बस थोड़ा सा लूज़ हो रहा है। तो आप ये देख सकते हो ये किस टाइप में है। तो पीछे से ये मतलब नॉट नहीं है, इसमें आपको यहाँ पे देख सकते हो ये हुक टाइप का मतलब ये दिया हुआ है, जिसको आप ऐसे करके बंद कर सकते हो। तो ये नॉट में नहीं है। तो ये पहनने के बाद आप देख सकते हो कितना प्यारा लगता है। इसका जो कलर है ना मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद आया था, इसलिए मैंने इसको ऑर्डर किया। और इनके जो प्राइस है ना वो आपको साइड में दिख जाएगा। तो ये जो टॉप है ये स्मॉल है और ये मेड इन इंडिया ही लिखा हुआ है। तो आप देख सकते हो फैब्रिक भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा, और पहनने के बाद तो ये और भी ज़्यादा अच्छा लगता है। मुझे इसका ये हाथों का लुक ही बहुत ज़्यादा पसंद आया था, इसलिए मैंने इसको लिया। तो ये पहला था जो मैंने लिया था। अभी जो मैंने नेक्स्ट लिया है ना वो ये टॉप है, तो इसका भी साइज़ स्मॉल ही है। और ये जो है आप देख सकते हो इसका जो नेक है ना ये थोड़ा सा डीप है, तो आप इसको मतलब कवर कर सकते हो। और इसका हाथ भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, फैब्रिक भी बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। तो इसका जो फैब्रिक था ना सेम वही फैब्रिक है। तो अभी आप इसका फुल लुक देख सकते हो कैसा लग रहा है। ये मुझे थोड़ा सा लूज़ हो रहा है, मैंने लिया तो स्मॉल ही है लेकिन पता नहीं क्यों ये मुझे थोड़ा सा लूज़ हो रहा है, इतना ज़्यादा नहीं लेकिन थोड़ा सा ही हो रहा है। और इसमें मुझे एक्स्ट्रा स्मॉल नहीं मिल रहा था इसलिए मुझे स्मॉल ही लेना पड़ा। बट कोई नहीं, आप देख सकते हो कितना प्यारा लग रहा है लगाने के बाद। ऐसा लग नहीं रहा कि लूज़ हुआ है बट मुझे फील हो रहा है कि ये थोड़ा सा लूज़ है, बट ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। इसमें आपको कलर्स भी मिल जाएंगे, आप चेक कर लीजिएगा। मुझे ये रेड वाला अच्छा लगा था इसलिए मैंने ये ले लिया। तो उसमें आपको बाकी भी कलर्स मिल जाएगा, जैसे कि इसका प्राइस मैंने कहा है कि साइड में दिख जाएगा, तो आप वहाँ पर चेक कर लीजिएगा। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ जो नेक्स्ट मैंने लिया था। ये जो है इसको जीन्स नहीं बोल सकते, ये पैंट है। तो आप देख सकते हो ये कुछ इस टाइप का है और इसका जो मटेरियल है ना वो बहुत ही अलग है, मतलब ऐसे खींचने वाला कपड़ा है। आप देख सकते हो ये ऐसे स्ट्रेचेबल होता है और नीचे जाके ये थोड़ा सा ऐसे मतलब फ्लैट नहीं है, फ्लेयर लुक जैसा देता है, आप देख सकते हो। तो ये जो है ये ब्लैक कलर में मैंने लिया है और इसका जो साइज़ है ना वो 28 है। आप यहाँ पर देख सकते हो इसका मिनिमम साइज़ ही 28 है, आपको 26 में नहीं मिलेगा। तो पहनने के बाद आप साइड में देख सकते हो कितना प्यारा लगता है। मुझे लग रहा था कि मुझे थोड़ा सा लूज़ होगा, क्योंकि जब मैं कमेंट देख रही थी तो वहाँ पे बोल रहे थे जिनका मतलब जो वेस्ट साइज़ 26 है ना, तो उनके थोड़ा सा मतलब लूज़ हो सकता है। तो मुझे डर लग रहा था लूज़ ना हो, पर आप देख सकते हो पहनने के बाद कितना प्यारा लग रहा है, बिल्कुल भी लूज़ नहीं है, एकदम अच्छा है। और आप देख सकते हो इसका फैब्रिक भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, स्ट्रेचेबल है, आप ईजिली पहन सकते हो। अगर आप कहीं लंबा सफ़र कर रहे हो तो आप इसको पहन के जा सकते हो, बहुत ज़्यादा कम्फर्टेबल है। और फैब्रिक भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है इसका, जैसे कि मैंने कहा ये खींचता है। मुझे नहीं पता ये फैब्रिक को क्या बोलते हैं लेकिन ये मतलब बहुत ही प्यारा लगता है लगाने के बाद, तो आप इसको ज़रूर ट्राई कर सकते हो। तो मेरा जो हाइट है ना वो 5'4" है, तो आपने देख लिया कि मतलब मुझे ये कैसा लग रहा है, कितना लेंथ है इसका। क्योंकि इसको मैंने थोड़ा सा हाई वेस्ट में पहना है ना तो इसलिए मेरे को बराबर आ रहा है। तो जिनका भी मतलब 5'4" या 5'4" से ऊपर हो आपको ईजिली आने वाला है। अगर आप 5'4" से कम भी हो ना तो भी आपको ये हो जाएगा अगर आप इसको थोड़ा और ऊपर करके पहन लोगे। तो सही में बहुत ज़्यादा कम्फर्टेबल है, तो उसके लिए मैंने ये लिया था ताकि हम बहुत ज़्यादा दूर सफ़र कर सके तो इसको पहन सके। तो ये था। अभी मैं आपको नेक्स्ट दिखाती हूँ जो मैंने लिया था ना वो मैंने अपनी मम्मी के लिए लिया है। तो ये टॉप है, ये रेड कलर में था और इसमें आपको बहुत सारे कलर मिल जाएंगे, आप चेक कर लीजिएगा। मतलब कलर अलग अलग रहेगा बट डिज़ाइन है ना वो भी अलग ही रहेगा, ऐसा नहीं है कि कलर ही अलग है डिज़ाइन सेम है। डिज़ाइन भी उसमें आपको अलग अलग ही मिलेगा, सेम डिज़ाइन का बस यही एक रेड कलर में, बट वहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे अलग अलग कलर में और अच्छे अच्छे डिज़ाइन के साथ। तो मुझे ये रेड वाला ही अच्छा लग रहा था, तो आप देख सकते हो स्टार्टिंग में मुझे लगा था ये प्रिंट है लेकिन ये प्रिंट नहीं है, ये कढ़ाई किया हुआ है, ये थ्रेड वर्क है। तो इसका आप साइज़ देख सकते हो डबल एक्सेल है और ये मतलब फुल लेंथ है इसका, आप हाथ देख सकते हैं फुल लेंथ में और यहाँ पे भी कढ़ाई किया हुआ है और ये बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगता है। ये ना छोटा है ना बड़ा है,
तो आप ये देख सकते हो ये कॉटन में है और बहुत ही हल्का है ये ड्रेस भी। तो मुझे बस यही लग रहा था कि ये प्रिंट वाला होगा, लेकिन ये प्रिंट नहीं है, बहुत अच्छा है। तो अभी आप देख सकते हो पहनने के बाद ये कैसा लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा हल्का है, लाइट वेट है, क्योंकि इसको ही मैंने एक बार ट्राई करके देखा था कि मतलब ये कैसा होगा। अगर आपने मेरा वीडियो देखा होगा तो आपको ही पता रहेगा, इससे पहले मैंने ऐसे में ब्लैक कलर का लिया था जो कि बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट था, मतलब पता ही नहीं चल रहा था कुछ पहना है जैसे। तो ये भी बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है और कलर भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो इसमें भी आपको अलग अलग कलर मिल जाएंगे, तो आप चेक कर लीजिएगा। तो पहनने के बाद ये कैसा लग रहा है आपको पता चल रहा होगा, इसमें आपको सारे साइज मिल जाएंगे, तो आप वहाँ पर जाके चेक कर लीजिएगा। अभी जो मैंने नेक्स्ट लिया है ना वो जीन्स है, तो आप ये देख सकते हो ये जो जीन्स है ना ये मैंने हाई वेस्ट में लिया है, क्योंकि ये मैंने अपनी मम्मी के लिए लिया था तो इसलिए उनके लिए मैंने हाई वेस्ट में ही ले लिया। ये जो है ये 38 साइज है, उनको पहले हमने 40 साइज लिया था, मैं वो भी आपको दिखाऊंगी। तो जो 40 था ना वो थोड़ा लूज हो गया था, इसलिए फिर मैंने दोबारा मतलब ऑर्डर किया, तो ये 38 साइज में था। लेकिन आप ये देख सकते हो इसमें कोई मतलब चेन नहीं है फ्रंट में, और ये जो उसका फैब्रिक है ना थोड़ा जैगिंस जैसा है, लेकिन इतना भी वैसा नहीं है, जीन्स जैसा भी है, जैगिंस जैसा भी है। अगर आप इसको लगाओगे ना तो ऐसा लगेगा नहीं कि आपने जैगिंस टाइप का कुछ लगाया, जीन्स जैसा ही दिखता है, ये पूरा डेनिम लुक ही देता है। बट इसका जो लेंथ है ना ये थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है, क्योंकि मेरी मम्मी का हाइट कम है तो उसके कारण ये लेंथ थोड़ा सा मतलब उनको ज़्यादा हो रहा है। तो ये जो जीन्स है ना ये हाई वेस्ट है, प्रॉपर हाई वेस्ट है, आप देख सकते हो इसमें कितना ज़्यादा है स्पेस। तो ये यहाँ से लेके आपको इतना ज़्यादा जाता है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इसका साइड साइड में डिज़ाइन बना हुआ है। ये मतलब यहाँ पे ऐसा लगता है जैसे कि इसको सिला हुआ है, लेकिन ये ऐसा नहीं है, इसका डिज़ाइन ही यही सेम है, इसमें एक भी पॉकेट नहीं है। तो पहनने के बाद आप देख सकते हो पहले ये इतना लंबा हो गया था, ये कितना लंबा है वो आपको दिख रहा होगा। तो नीचे फिर उसके बाद हमने क्या किया, इसको फोल्ड कर लिया था। तो फोल्ड करने के बाद आप देख सकते हो ये एकदम मतलब अच्छा लग रहा है, आप इसको फोल्ड करके भी ईजिली पहन सकते हो। इसका जो वेस्ट है ना वो भी बहुत ही ज़्यादा मतलब इतना टाइट नहीं है, आप आराम से इसको पहन सकते हो, ऐसा कुछ प्रॉब्लम होने वाला है नहीं। और ये हाई वेस्ट में तो आप उठोगे बैठोगे तो भी ये नीचे नहीं जाएगा। जो नेक्स्ट मैंने लिया वो जीन्स है, तो इसका जो साइज है ना वो 26 है, तो इसका मुझे 26 मिल गया। तो ये जो है ये थोड़ा हाई वेस्ट में है, तो आप साइड में पिक देख सकते हो, मैंने ऑर्डर किया था ये, इसमें कोई हाई वेस्ट नहीं है। इसमें जो बटन लगा हुआ है ना वो भी सिंगल है, बट इसमें मेरे वाले में आप देख सकते हो 3-3 बटन है। मैंने ऑर्डर वो किया था क्योंकि इसका जो पैरों का जो आप देख रहे हो थोड़ा सा खुला हुआ है, मुझे वो अच्छा लगा था, बल्कि मैंने वो किया था, लेकिन आया ये। तो इसको मैंने जब पहना ना तो मम्मी को ये बहुत ही ज़्यादा पसंद आया, तो उन्होंने बोला रख ले इसको, मतलब एक्सचेंज मत कर। मैं इसको मतलब एक्सचेंज करने वाली थी या तो रिटर्न ही कर देती, बट उन्होंने कहा इसको रिटर्न मत कर क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा दिख रहा है, और मेरे पास ऐसा जींस का कलर भी नहीं था, तो मैंने रख लिया क्योंकि मुझे वो भी पसंद आ रहा था, इसलिए मैं उसको लेने वाली थी। बट अब ये भी अच्छा लग रहा था, फिर मैंने इसी को ही रख लिया। और ये जो है 26 का साइज़ है, ये थोड़ा हाई वेस्ट में है, और ये AKA लिखा हुआ है इसका जो ब्रांड है। तो आप देख सकते हो पहनने के बाद ये अच्छा ही लग रहा है, ये कलर जो है ना मेरे पास पहले जीन्स में नहीं था, इसलिए मैंने इसको रख लिया। तो कोई नहीं, कभी कभी हो ही जाता है, मतलब हम कुछ लेना चाहते लेकिन आ कुछ और जाता है, लेकिन हमें वो भी पसंद आ जाता है, तो वैसे ही हुआ कुछ, तो इसलिए मैंने इसको रख लिया है। और बहुत ही ज़्यादा सही है, आप देख सकते हो थोड़ा सा स्ट्रेचेबल है, इतना भी ज़्यादा नहीं है, नॉर्मल स्ट्रेच हो जाता है, और कलर भी बहुत ही ज़्यादा सही है इसका। तो ये था जो मैंने लिया था। उसके बाद मैं अभी आपको दिखाती हूँ जो मैंने एक लिया है, वो मतलब 40 साइज मैंने पहले ऑर्डर किया था, बट वो बहुत ज़्यादा लूज हो गया। तो वो जो था ये प्रॉपर जीन्स में था, आप देख सकते हो इसमें पॉकेट्स भी हैं, और मतलब ये नॉर्मल ही था, मतलब हाई वेस्ट बोलने से इतना भी ज़्यादा हाई नहीं था, लेकिन नॉर्मल ही था, अच्छा ही था। तो आप देख सकते हो यहाँ पे इसकी पॉकेट्स भी है, इधर आगे फ्रंट में भी है, बैक में भी आपको पॉकेट्स मिल जाएगा, और इसका जो साइज़ है वो 40 है। तो ये थोड़ा सा मम्मी को लूज़ हो गया था, क्योंकि आप खुद ही देख सकते हो ना, आप नीचे भी देख सकते हो कितना ज़्यादा मतलब है बड़ा, और लंबा भी बहुत ही ज़्यादा है, तो इसलिए उनको थोड़ा सा लंबा हो गया था, तो इसलिए हमने फिर 38 ऑर्डर किया था। बट इसमें जो है ना 38 साइज़ नहीं मिलेगा आपको, इसमें होता है 40, 36, उसके बाद फिर आपको बाकी साइज़ मिल जाएंगे, लेकिन 38 नहीं था इसमें, तो इसलिए फिर मैंने इसको दोबारा ऑर्डर नहीं किया, तो इसके कारण मुझे वो वाला ऑर्डर करना पड़ा। तो अभी मैं अपने होम टाउन जाने वाली हूँ, तो उसके कारण मुझे पहले ही इसको मतलब लेना पड़ा, क्योंकि अभी इतना टाइम नहीं था हमारे पास। तो उसके भी आपको ब्लॉग्स मिल जाएंगे, तो आप मतलब मेरे चैनल देखते रहिएगा, मैं कुछ मतलब कुछ टाइम के बाद डालूंगी उसको एडिट करके। जैसे कि आपको पता है अभी वेडिंग सीजन चल रहा है, उसके बाद अभी फेस्टिवल भी आने वाला है, मतलब क्रिसमस भी आने वाला है, फिर न्यू ईयर आएगा, तो उसमें आपको ना अमेजोन में इतने सारे ऑफर्स मिलने वाले हैं ना, तो उस टाइम पे अगर आप इसको लोगे ना, आपको सच्ची बोली मैंने जितना लिया है ना उससे भी कम कम रेट में आपको मिल जाएगा। और इनका लिंक जैसे कि मैंने कहा आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और इनका प्राइस तो आपने साइड में देख ही लिया होगा, तो इन सबका लिंक आपको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ पर जाकर चेक कर लीजिएगा। तो बस आज के वीडियो के लिए इतना ही, आई जस्ट होप कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।